हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। बेसिक मैथमेटिक्स का आज आखिरी क्लास है। बच्चों, आज के बाद आपका जो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लेवल का है, जिसमें आपको मैक्सिमम कोर्स आपको मिलेगा हमारे ऐप एक्सपर्ट सॉल्यूशन पे। ठीक है, जहां पे आप इसका पूरा कोर्स पा सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव क्लासेस, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। बिल्कुल जिस लेवल का पेपर आता है उसी लेवल का आपको सारी चीजें मिलेंगी। अभी तक आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी चीजें जो है काफी इजी बताई जा रही है। लड़के, कई स्टूडेंट्स मुझसे ये बोल रहे हैं कि सर ये तो काफी इजी है, तो मुझे आता है, मुझे भी मालूम है ये आपको आता है। अभी एक दो क्लास में आपको चीजें आसान लग रही हैं, लेकिन आफ्टर कुछ दिन बाद जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ, कि हमने जो अगर पिछला कंप्लीट किया होता तो आज शायद मुझे ज्यादा समझ में आता। इसलिए अभी जो आसान है आसान पे भी प्रैक्टिस करो, इसको छोड़ो मत। ठीक है, इसको छोड़ना कल को आपको भारी पड़ सकता है। रीजन क्या है कि कई सारे क्वेश्चंस बेसिक से निकलते हैं, 100% सिलेबस कोई नहीं कवर कर सकता। ठीक है, आप बिल्कुल 100% नहीं पढ़ सकते, लेकिन यदि आपको बेसिक चीजें आती हैं तो कुछ क्वेश्चन बेसिक से निकलते हैं। ठीक है, इवन दो ये मान के चलो कि बेसिक से 30% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स, वहीं से आपको 30% जो है आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो इसलिए ना आप छोटे क्वेश्चंस को छोटा ना समझो। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको पहले से भी पढ़े होते हैं, लेकिन उसे एक बार रिवाइज मार लेना चाहिए, उसे बार बार नहीं पढ़ा जाता। एक्चुअली ये जो मैंने बेसिक्स मैथमेटिक्स का लेक्चर शुरू किया, इसलिए शुरू किया कि कई सारे बच्चे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स इजी उन्हें बहुत टफ लगता है। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होता। बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर रहेगा तभी आप मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कंफर्ट फील करोगे, नहीं तो आपको बार बार समस्या आएगी। आप सिर्फ थ्योरी रट्टा मारोगे और थ्योरी से ही आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। चाहे आप ग्रुप ए का एग्जाम दो, चाहे आप डी फार्मेसी का एग्जाम दो, ठीक है, यदि आपको बेसिक्स मैथ नहीं आती तो आप बार बार परेशान होंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो आप जो है मेरा ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एक्सपर्ट सॉल्यूशन, और अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे वन बाई वन डे जैसे जैसे दिन बीत रहा है, ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे जो है टॉपिक्स ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, एक साथ अभी सारा कोर्स उसमें नहीं पढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे ये वीडियो मैं बनाता जा रहा हूँ, एक एक टॉपिक कवर होता जा रहा है, वहां पे ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, आपकी जो लाइव क्लासेस है ये आपको शाम 7:30, ठीक है, प्रतिदिन 7:30 पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, जिसमें कंटिन्यूअस फिजिक्स, मैथ्स, ठीक है, अभी मैथ्स चलेगा, कुछ जैसे ही मैथ का दो तीन टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद आपको साइंस के क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको डेली 7:30 लाइव आना है। लाइव में आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक चैप्टर के बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, उस टेस्ट में करीब 10 से 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन चैप्टर कौन सा है, उसमें कितनी वैरायटीज बन सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ एक ही टेस्ट नहीं, ठीक है, तीन चार टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें आपका बेसिक यानी सिंपल, मॉडरेट और हार्ड, इस टाइप के तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट है वो आपको देना ही है। टेस्ट से आपको ये आइडिया लगेगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसका थ्योरी आपको क्लियर है, आप उसके क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं कि नहीं, और अगर बेसिक निकल पा रहा है तो मॉडरेट निकल पा रहा है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन निकल पा रहे हैं कि नहीं। देखो बच्चों, एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, ठीक है, 40% या ऐसे कर लो 30% क्वेश्चन सिंपल होते हैं, वो हर कोई करता है। ठीक है, और हर कोई करके आता है, बोलता है कि मैंने तो कई सारे सवाल सही कर दिए हैं। ठीक है, और बड़े खुश होते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा 30% मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन थोड़ा सा दो स्टेप वाले होते हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम टू स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है, ये आपका
रैंक में यही क्वेश्चंस पहुंचाते हैं, ठीक है। और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं इनकी भी संख्या लगभग 30 से 40% होती है, ठीक है। यदि आप हार्ड तक पहुंच पा रहे हैं तो याद रखना आपकी रैंक 2000 के अंदर आ जाएगी, 2000 यूपी के, यूपी में 2000 रैंक के अंदर आएगी, ठीक है। यदि आप हार्ड टच कर पा रहे हैं, ठीक है, और यदि सिंपल में है तब तो ये मान चलिए कि आपका, आप सिलेक्शन से बाहर हैं। अगर आप मॉडरेट कर रहे हैं तो आप 30,000 के करीब पहुंचेंगे, ठीक है। जहां आपने हार्ड क्वेश्चन में इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, आपके रैंक, आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए आप बिल्कुल बेसिक से चलिए, पहले क्या है बेसिक सपना क्लियर करिए। ये जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ये बेसिक के बाद ही आते हैं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल घबराइए नहीं, आराम से जो है हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन अपना सब्जेक्ट को क्लियर करते रहेंगे। बच्चों यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे फोन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 94-53-80-55-73, ठीक है। ये इस नंबर पे आप मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज मौर्य है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप कोर्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो मैं आप हमारा एक हम लोगों ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। जो भी ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इसके बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या कोई भी इम्प्रूवमेंट या आपका कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, मैंने बताया था कि मैं भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन अपना जो अगला टॉपिक रहेगा ये भिन्न रहेगा। तो भिन्न में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। देखो, ऐसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, और जहां पे क्यू, क्यू मतलब उसका हर, जीरो ना हो। देखो पी बाई क्यू, जिसमें क्यू क्या होता है, हर होता है, और ऊपर जो लिखा जाता है उसे अंश लिखा जाता है। इसको पढ़ा जाता है पी बाई क्यू या पी बटे क्यू, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। क्यू अगर जीरो हो गया तो यह संख्या कुछ नहीं होती, वो क्यू कभी आप जीरो नहीं कर सकते। सिंपल से एक लाइन में समझो, क्यू आपको जीरो नहीं करना है, ठीक है। अब जो भिन्न होता है, ये आपका एग्जाम्पल से 1/2, 2/3, 4, ऐसे बटे में कुछ भी लिखो ये होगा, लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। बच्चों भिन्न लिखने का एक तरीका ये भी होता है, ठीक है, क्या 3 सही 1/4, ये एक मिश्रित रूप होता है। क्या होता है, एक मिश्रित रूप होता है। यदि इसको भिन्न के रूप में लिखोगे तो 4 3 12 + 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और इसके साथ जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 3 12 1 13/4। क्योंकि ये जो भिन्न होती है मिश्रित रूप में कब लिखा जाता है, देखो बच्चों, ये भिन्न पूरी की पूरी भाग करोगे कटेगी नहीं, लेकिन अंश आपका बड़ा होता है, यानी ये 13 है जो 4 से बड़ा है, इसलिए हम भाग लिखकर ऐसे सही के रूप में लिखते हैं, यानी मिश्रित रूप में लिखते हैं। बच्चों भिन्नों का भौतिक अर्थ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया है, उनको इसका मतलब नहीं पता होता कि भिन्न होता क्या है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे एक रोटी का टुकड़ा, हम सभी लोग खाना खाते हैं ना। देखो एक लाइन में मैं एक शब्द बोलूंगा, गणित वो चीज है जो प्रतिदिन हमारे आसपास घटनाएं जो घटित होती हैं उसको यदि आप गणित के रूप में देखना शुरू कर दोगे तो आपको गणित जो है दिखेगा हर चीज में। रोटी बन रहा है वहां गणित है, खाना बन रहा वहां गणित है, आप खाना खा रहे वहां उसमें भी गणित है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रोटी का टुकड़ा, आपके पास एक रोटी है, ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसके 4 टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए, 4 1 2 3 4। इस 4 में से आपने एक टुकड़ा बाहर कर दिया तो ये एक टुकड़ा कितना होगा, हम लोग बोलते हैं एक चौथाई होगा, एक हम लोग भोजपुरी में या फिर अपने लोकल भाषा में बोलते हैं एक चौथाई, लेकिन गणित के रूप में इसको 1/4 लिखते हैं। मतलब पूरे का कितना हिस्सा, 4, उसमें से कितना लिया, 1। ये होता है भिन्नों का भौतिक रूप, ठीक है, सॉरी भौतिक अर्थ, ठीक है। ये कोई भिन्न है, ये इसका भौतिक अर्थ है। क्या आपने किसी चीज का 4 हिस्सा किया, 4 में से 1 आपने खा लिया, मान लो आपने 2 ले लिया, कितना ले लिया, 2। अब कितना होगा, कुल कितना टुकड़ा था, 4, कितना ले लिया आपने, 2। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब कितना आपके पास बच, अभी मान लो आपने 3 ले लिया तो कुल कितना है, 4, कितना आपने ले लिया, 3।
ठीक है, ये इसका भौतिक रूप है। इस प्रकार से कई सारे जो है आपके ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है ऐसी घटनाएं होती हैं छोटी, जिसको आप गणित के रूप में देखना देख सकते हो। इसके अलावा एक एग्जाम्पल ये देखो, 100 का 2/4 कितना होगा, ये देखो गणित के रूप में लिखा है, ठीक है। मान लो 100 एक संख्या है, ठीक है, इसका 2/4। अब गणित में यदि अभी इसी सवाल को ऐसे लिखा जाए कि एक रोटी का 2/4 कितना होगा, यहीं पे देखो लिखा ना, तो मतलब एक रोटी है उसका 2/4 इस तरीके से करते हैं तो कितना आएगा, 2/4, ठीक है। 100, जहां का दिख जाए, क्या दिख जाए, का, ये गणित का लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है। 100 का 2/4, तो का मतलब होता है गुणा 2/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 का पहले 2 में गुणा होगा, गुणा कैसे होता है आपको मैं बताऊंगा आगे, 4/4 करोगे तो ये आपका आता है 50। कितना आ जाएगा, 50। 100 का 2/4 कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका एक भौतिक स्वरूप मैंने आपको बता दिया, कैसे आप समझते हैं। मेरी बात को नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार आप पीछे जाकर इसको आप समझिए, क्योंकि भौतिक स्वरूप मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब देखो भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। अगला जो टॉपिक आता है भिन्नों की तुलना करना। देखो भिन्नों की तुलना, यदि आपके पास दो भिन्न दे दें कि 1/7 और 2/9 में कौन सी बड़ी है, यह यूपी पॉलिटेक्निक में हालांकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, संभावना बन सकती है, लेकिन आता नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपका बेस मजबूत करता है, ये अंक गणित का पार्ट है। जब आप जो है कभी कभी क्या होता है कि हमें पूरा सवाल न लगाना पड़े, ठीक है, हमें केवल शॉर्टकट में आंसर करना है, तो हम थोड़ा सा 2-3 स्टेप लगाते हैं तुरंत हमको आंसर करना, तो ये छोटी छोटी बातें ना आपको आपके कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर देती हैं, ठीक है, जिससे समय बचता है। एग्जाम में समय ही नहीं होता, बाकी क्वेश्चन अगर आपको 100 क्वेश्चन है, अगर आपको 10 एक दिन दे दिया जाए तो आप कर ही लोगे, लेकिन 3 घंटे के अंदर करना होता है, इसलिए समय नहीं रहता। तो बच्चों ये छोटी छोटी गणनाओं को सीखो, ये मत समझो कि मुझे आता है पहले से, ठीक है, इसलिए मैं तो शेर हूं इसमें। अभी मैं बहुत छोटा लेवल पढ़ा रहा हूँ, अभी जब आप, अभी मैं पढ़ाऊंगा सिंपल एंड इट्स गणित के जो सिंपल सूत्र, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि हाँ अब रूप बदल रहा है, ठीक है। इसी के बाद गणित का जो दूसरा लेक्चर आएगा वो सिंपल इक्वेशन ही आने वाला है, तो वहां पे आपको काफी चीजें चेंज मिलेगी। ये तो अंक गणित है, बच्चों वाली चीज है, लेकिन एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। अब इन दोनों में, ठीक है, आपको बड़ी भिन्न बताना है, तो बच्चों बड़ी भिन्न बताने का 2 तरीका होता है। एक तो भिन्नों का दशमलव रूप में बदल लो, या आप भिन्नों के हरों का लसर लेते हुए हल कर लो, ठीक है, 2 तरीके होते हैं। तो अगर इसका दशमलव रूप निकालना है तो आपको इसमें भाग करना पड़ेगा 1/7, तो यहाँ दशमलव लोगे 0 1 बार जाएगा 7 3 0, ठीक है, अगेन 7 6 7 21 7 6 28। तो बच्चों इसमें देखो आपका इतना आ गया, अगेन यहाँ पे 2 आएगा, यहीं पे छोड़ते हैं, जरा दूसरे वाले को देख लेते हैं, यहाँ 9 दशमलव करो 0 9 दुनी 18, ठीक है, ये तो एक ही अंक पे आपको समझ में आ गया। यहाँ 0.2 आ रहा है, यहाँ पे 0.14, तो कौन सी भिन्न बड़ी हो गई, ये वाला बड़ी हो गई, तो हमारा ये भिन्न बड़ी है। दूसरा तरीका होता है आपका भिन्नों का लस लेकर, क्या लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक 1/7, और आपके पास क्या था, 2/9, इन दोनों का लस ले लो, ठीक है। अगर इनका लस लोगे तो 7 9, ये आपका आ जाएगा 9 7 63 ही आएगा, ठीक है, तो इनका 63 आ जाएगा, तो 7 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, अगेन 9/63 आ गया। दूसरा कौन सा आपका आ जाएगा, 14, यहाँ 7 बार आ जाएगा, 7 दूनी 14/63, ठीक है।
तो ये आपका आ गया। तो बच्चों अब देखो, ये 14/63 है, ये 9/63 है। तो ऐसे में जिसका अंश बड़ा रहेगा वही बड़ी होती है। अगर हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा है वही बड़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, तय करना होता है। ठीक है, ये दो तरीका होता है भिन्नों को छोटा बड़ा दर्शाने के लिए। अब अगला जो पॉइंट आता है, ये आता है भिन्नों का योग। क्या है? भिन्नों का योग। अब देखो, भिन्नों का योग क्या है? भिन्नों का यदि योग करना है तो यदि हर समान हो तो आप डायरेक्ट, हर समान हो या एक ही तरीका है, दोनों का एलसीएम लोगे तो साथ ही आएगा 7। ठीक है बच्चों, तो अब भिन्नों का योग करने जाओगे तो अगर हर समान है तो डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लो, साथ ही आएगा ऊपर 1 + 2 = 3/7। इसी तरीके से भी इसका करोगे तो हमें सबसे पहले हर का लस लेना होता है। ठीक है, तो लस जब लोगे तो आप दो तरीके से लस ले सकते हो। इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से लोगे तो भी आपका 5 और 4, इस प्रकार से आपका लस आ जाएगा 5 × 4। बच्चों आप पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए जा रहे हैं, अब ये सब करने बहुत सारा कुछ ना, अब हमें मालूम होता है कि इनका इनका एलसीएम इतना आएगा। क्योंकि क्या है कि 4 का गुणनखंड निकलोगे 2 × 2 ही आएगा, 5 का आता नहीं तो 5 × 20 डायरेक्ट आप लिख सकते हो, 20 चार बार जाएगा, इसका भाग करोगे 4 और 5 = 15, कितना आ गया 19/20। ये आपका भिन्नों का जोड़ हो गया। इसी प्रकार से भिन्नों का घटाना भी है, आप इसका एलसीएम लेंगे 3 - 1 आपका आ जाएगा 2/4, इनका लेंगे तो इनका 10 ही आएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 बार 2 और यहाँ पे 1 1/10। तो ये आपका घटाना हो गया। घटाना और जोड़ एक जैसा होता है तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अब जो अगला पॉइंट आता है भिन्नों का गुणा, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बार बार यूज होने वाली चीज है। देखो, यदि भिन्नों का गुणा करोगे, मान लो a/b * c/d करते हो, तो अंश का अंश में गुणा हो जाता है और हर का हर में। तो ये आपका आता है a/c / b/d। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका 4/6, ठीक है 4/5 मान लो, गुणे 3/7, इसका गुणा करो। तो इसका गुणा करोगे तो 4 का 3 में गुणा हो जाएगा, 4 3 = 12, और हर का हर में 5 7 = 35। इस तरीके से डायरेक्ट करना होता है। अगर यही भाग की बात करें तो a/b / c/d, तो जब इस तरीके से भाग करते हैं ना, तो ये जो नीचे वाली भिन्न होती है ये इसको ऊपर लेके जाना होता है और ये पूरा पलट जाती है, a/b / d/c आपका हो जाएगा और ये गुणा में हो जाता है। आप डायरेक्ट भाग नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार से ले जाए तो ये आपका आ जाएगा a/d और b/c। उदाहरण के लिए जैसे 4/5 / 3/7, अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये 4/5 * ये चीज क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो 7/3, ये आपका आ जाएगा 7 × 7 = ये क्या हो जाएगा 28/15। इस प्रकार से आपको भाग करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी लोग आप लोग जानते हो। ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा यूज आता है जब आप बीजगणित में जाओगे, कि ये प्रोसेस ध्यान में रखना वहां पे टफ होता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि शब्दों के साथ खेलना होता है, हमें चिन्हों का ध्यान रखना होता है। कुछ प्रश्न है, ये प्रश्न जो है आपको सॉल्व करना है। प्रश्न है, ये प्रश्न आप रीड कर लीजिए और इसका आंसर करिए, वीडियो को पॉज करके आप रोक लीजिए और इसका जो है आंसर करिए। ठीक है, 3 सही 1/2, 4 सही 1/2। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे। तो देखो बच्चों, पहले हमें सही को हटाना है, मिश्रित भिन्न है तो 3 × 6 = 7, इसको लिख सकते हैं 7/2 + 4 × 8 = 9/2।
अब ये हर समान है तो नीचे दो आ जाएगा और 7 प्लस 9, 7 और 9 कितना हो जाएगा? मैंने पहले ही कहा था कि ये सब जोड़ भी आपको आना चाहिए कल वाली क्लास में, ठीक है? तो उसमें 7 और 9 आपको क्या करना होता है, जोड़ना होता है, आपका आ जाएगा कितना, 16/2, और ये कट कर कितना आ जाएगा आपका 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। अगला सवाल, इसका आंसर करिए। यहाँ पे भी मिश्रित भिन्न है, इसका मान आपको निकालना है, तो पहले इसका निकालेंगे, 4 दूनी 8, 1 9, 9/2 गुणे 5 दूनी 10, 4 14/5। तो अब ये गुणा है तो डायरेक्ट हो जाएगा 14, 9 गुणे 14 डिवाइड बाई आपका कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे काट भी सकते हो, दो बार में काट दो, 7, यहाँ बच गया 5, ठीक है, और 9 7 63/5, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों ये छोटे छोटे सवाल है, ये आपको आने चाहिए। चलो एक क्वेश्चन है, काफी आसान सा सवाल है, लेकिन इसमें आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है? एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में है। देखो ये कोई बांस है, कह रहा है कि इसका 3/4 भाग कीचड़ में है। कितना? 3/4 भाग, सॉरी 3/10 भाग बोल रहा है। ये मान लो कीचड़ है, ये कितना है, 3/10, ठीक है? उसके बाद कह रहा है शेष, ये कह रहा है 2/5 भाग पानी है। अब यहां से यहां तक पानी भरा है, कितना है ये, 2/5 भाग, ठीक है? उसके बाद कह रहा है शेष 5 मीटर कहाँ है, ऊपर है आपका, शेष 5 मीटर कहाँ है, ऊपर है। कह रहा है कि तो बांस की लंबाई बताओ, अगर आपने ध्यान से देखा पूरे बांस की लंबाई है, इतना इसमें कीचड़ में है, ये आपका पानी में है, और ये क्या कर रहा है, हवा में है। तो बांस की लंबाई सबका जोड़ है 2/5 + 3/10 + 5 मीटर, ठीक है? तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है? ओके ठीक है, तो सॉरी, तो ये आपका बनता है, ठीक है? तो ये इसका आंसर करिए, अभी इसका आंसर छूटा हुआ है, तो इसके बटे आप 1 कर लीजिए, और इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 बार जाएगा, प्लस 1 बार 3, और ये आपका 10 5 50। इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया, 50। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कितना है, 2/5, जबकि यहाँ पे कितना था, 3, ठीक है? तो यहाँ पे 3 आप लिख दो, चलो इसको हटाते हैं। देखो बच्चों, और यहाँ पे 1 मिनट ना, चलो अब इस सवाल को देखो, इसमें कह रहा है एक बांस का 3/10 भाग, ठीक है, कीचड़ में, तथा 3/5 भाग आपका कहाँ पे है, सतह से ऊपर, ये 3/5 भाग है। तो मान लो पूरी लंबाई कितनी है, एल है, कितनी है, एल या एक्स वाई कुछ भी मान लो, माना पूरी लंबाई एक्स है, क्या है, एक्स है, ठीक है? तो एक्स का 3/10 भाग कितना है, पानी में कितना है, फिर सॉरी कीचड़ में, कीचड़ में एक्स का 3/10 भाग, और पानी में कितना है, एक्स का 3/5 भाग, ठीक है? तो कुल लंबाई ये आपका एक्स का इतना हो गया, ठीक है? अगर पूरी लंबाई अगर हमें चाहिए तो 5x 3x/10 इतना हम करें तो हमें पूरी लंबाई यहां से पता चलेगी, ठीक है? तो देखो बच्चों, तो अब हमें क्या करना है कि पूरी लंबाई x बराबर 3x
जो कीचड़ में है, बाई 10 प्लस जो पानी में है 3x बाई 5 और प्लस जो हवा में है, ये आपका इतना आता है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आ गया x, और x को सभी को एक साथ कर दो और 5 को उस तरफ करके रखो, तो इसको माइनस 3x बाई 10 माइनस 3x बाई 5 इक्वल टू 5। अब आपको क्या करना है, यहां से x कॉमन ले लो तो 1 माइनस 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 5, सॉरी चलो तो नहीं, यहाँ पे 10 और ये 5 इक्वल टू 5। यहाँ से और आगे इसको सॉल्व करो तो 10 इसका एलसीएम आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ गया, माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 5, और ये x आ गया, x इसको और सॉल्व करो तो 6 3 आपका कितना आ जाएगा, 9, 9 में से 10 में से 9 घटाओगे तो 1/10 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, 5। ठीक है, अब ये x की वैल्यू निकालना है तो आपका 5 इधर चला जाएगा 10, कुल कितना आ जाएगा 50 मीटर। ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मिला होगा कि आपका यहाँ पे हिस्सा दिया है, कितना हिस्सा नीचे इतना हिस्सा दिया है, और ये इसकी क्वांटिटी यानी मीटर दे रखा है। तो मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया कि इनको डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश किया, वो गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि इतने का हिस्सा पूरी लंबाई का 3/10 हिस्सा कीचड़ में है और 2/3 हिस्सा आपका कहाँ पे है, पानी में है, शेष ऊपर 5 मीटर ऊपर है, तो हमें x का 3/10, x का 3/5 और प्लस 5 करना है, तब हमारा आंसर निकल के आएगा कितना, 50 मीटर। ओके, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एक दो बार ट्राई कर लीजिएगा, मैक्सिमम बच्चों को आता है लेकिन एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये देखो, ये एक सवाल है जो यूपी पॉलिटेक्निक का काफी फेवरेट हिस्सा है, बहुत सवाल गिरता है यहाँ से, ये वाला सवाल, इसमें सीरीज बनती है 1 2 3, अगर ऐसे देखो तो 1+2+3 मतलब सॉरी 1+1+1+ 3 बार आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा सवाल है तो इसका एक ट्रिक भी होता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको बाय रूल लगाएं। ठीक है, अगर रूल से आप लगाते हैं तो आपको काफी सहूलियत होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, कभी 4 भी आएगा तब आपका फार्मूला आप याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए रूल से चलो। ठीक है, चलो इसका आप एक बार वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन कर लीजिए, यदि मतलब पॉज होने वाला वीडियो रोक कर इसका सोल्यूशन करिए, यदि आप कर आज तो मेरे कई सारे कॉल आ जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल को आप सभी लोग ट्राई करिए एक बार, ताकि जो है आप इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा, बट ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप क्या करिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए और इसको सॉल्व करिए, तो 1+1/ पहले तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 एक 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1+1/3/2 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको बाद आपके अगली लाइन में लिखना पड़ेगा 1+2/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको देखो सॉल्व करने के लिए ना आप ऐसे एरो बनाकर बगल सॉल्व करिए, बगल में सॉल्व करिए, 3 × 3 = 5/3 कितना आ जाएगा, 5/3। अब इस 5/3 चूंकि इसका बटे है ना, 1/ का है ना ये, अब इसको ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा, 3/5, 3/5, 5 × 5 5 × 3 = 8 कितना आ जाएगा, 8/5 कितना आ गया, 8/5। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। इसका एक फार्मूला आता है, किताबों में लिखा रहता है कि अगर 3 बार ऐसे ऐसे रहे तो आपको क्या करना है, इसका फार्मूला जो बनता है 3a+2/2a/1, यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी इसका 3 का साथ ऐसे गुणा, मतलब 3 times a कर देंगे प्लस 2 और यहाँ पे 2a+1 लिखेंगे, बट 4 times आएगा तो ये बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप फार्मूले के चक्कर में ना पड़े, ये सवाल आप थोड़ा सा याद करते, ये इस तरीके से करते हैं ऐसा ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है कि ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे और ऐसे एरो खींच के आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे ये वाला जो स्टेप था जो मैंने यहाँ पे किया, हमको यहीं पे इस पूरे को एक एक बार में कर लेना चाहिए था, क्या आ जाता है, ये
वन अपॉन थ्री बाई टू आता, इसको यहीं पे करके टू बाई थ्री कर देते हैं तो हमें और आसानी होती। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, तो ये ट्रिक को न फॉलो करें। ठीक है, और यदि आपका वन माइनस वन करके ऐसे आएगा तो ये फार्मूला ए हो जाएगा। अगर माइनस लिख के आ रहा है तो भी आप माइनस घटाइए, लेकिन डायरेक्ट मत जाइए, मैं यही आप लोग को राय दूंगा। ये आपके लिए होमवर्क एक रहेगा, इसको आप खुद से करिएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आता है आप दो बार तीन बार ट्राई करिएगा और देखिए क्या आता है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप इसको जो है अपना होमवर्क कर लीजिएगा, इस पर सॉल्व करिएगा, कोई ना कोई आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब देखो जो अगला टॉपिक आता है आपका, ये लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक आता है। इसमें अगर आपको मश निकालना है तो मश क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं, जो दी हुई संख्या को पूर्ण विभाजित कर दे, ये आपका मश कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 24, 30, 42, यदि इसका मश निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इनका गुणनखंड कर दो, चार इसको दो, आपका 12 आ जाएगा, दो छह, दो गुणे तीन, देखो दो दूनी चार, दूनी आठ, फिर 24, 30 करोगे दो 15, पांच सॉरी गुणे तीन, ये आपका आ गया 30 का। इस तरीके से 42 करोगे, 7×6 42 होता है, तो दो गुणे तीन गुणे सात, जो तीनों में होता है, यानी कि वह संख्या जो क्या करे, वो इन तीनों संख्याओं को बड़ा विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या। ये देखो दो आ गया, और कुछ है कोई संख्या, देखो इसमें 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 जो है तीन कॉमन आ रहा है, तो तीन आ गया, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, जो है दो गुणे तीन हो गई, कितना 6, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 6, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा 6। ठीक है, अगला आता है लस, यानी वो संख्या जो इन तीनों के द्वारा विभाजित हो जाए वो कहलाता है लस। जैसे 24, 30, 42, फिर से आ जाओ गुणनखंड करो, दो गुणे दो दुनी चार दुनी आठ, आठ त्रिक 24, दो तीन गुणे पांच, ये हो गया। इसके अलावा आ जाओ इसको, दो गुणे तीन गुणे सात, तीन दुनी छह, छह सत्तर 42। अब इसमें अगर आप क्या करते हो, गुणनखंड, गुणनखंड विधि से जो कॉमन रहता है उसकी जगह एक, केवल एक संख्या लिखी जाती है दो, इसका इस तरीके से गुणनखंड वाला आप निकाल लीजिएगा, मुझे खैर आंसर मालूम है। जरा इधर भाग विधि देखो, लस निकालने का दो तरीका होता है, एक तो गुणनखंड हो जाता है, एक होता है भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि में जरा देख लो, दो कर लो हम लोग, क्या है लस इसी विधि से ज्यादा निकालते हैं, इस विधि से नहीं निकालते क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, तो जो टाइम टेकन है उस विधि को छोड़ो, इस विधि पे आओ। ठीक है, दो आपका कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 15, ठीक है यहाँ पे आ जाएगा आपका 21, अगेन दो, ये आपका आ जाएगा 6, 15, 21। ठीक है, अब आप ले लो यहाँ पे तीन, सीधे तीन आ जाओ। ठीक है, तीन आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 3×6, तो ये कितना आ गया आपका, 3×6। इसके बाद आपका इसमें आ जाएगा कितना, 5×5=15, अगेन 7। अब देखो कोई भी संख्या नहीं है जो कटे, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, लस 2×2×3×2×5×7। ठीक है, तो बच्चों देखो इसका एलसीएम निकालो, 2×2=4, 2×8=24, 24×25=7 करना, जो आएगा वो आपका एलसीएम होगा। इसी तरीके से इसमें जो कॉमन है उसके जगह सिर्फ एक दो लिखेंगे। ठीक है, गुड़े, अब देखो तीन कॉमन है तो तीन की जगह एक तीन लिख देंगे, उसके बाद जो बचा सब लिख लो, 2×2×5×7। ध्यान से देखो तो इधर जो आता है वही इधर भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं, क्या लस अपना इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत ध्यान से देखो,
यदि दी गई संख्या दी दो दी गई हुई संख्या हो, अगर दो संख्याएं दी हुई हो तो उसका म स और ल स का गुणनफल प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे एक सवाल निश्चित रहता है। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये आता जरूर है बच्चों, ध्यान रखना, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई एप्लीकेशन दे देता है इसका। ठीक है, भिन्नों का अगर कोई मस आया हो, अगर कोई दो भिन्न दिया उसका मस निकालना हो, तो अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे हरों का महत्तम समापवर्तक करते हैं। अगर इसका और अगर भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो तो आप अंशों का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे बटे उसके हरों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। इसको याद करने में दिक्कत होती तो ये जान लेना कि अगर मस निकालना है तो उसका अंश जो है मस होगा, यदि उसका जो है आपका भिन्न का ल से निकालना है तो उसका अंश में ल से निकालेंगे बस, और उसके हर में जो उसका उल्टा रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट सवाल आती है और कई सारे सवाल आते हैं। अब यहाँ पे एक भिन्न है, इसका ल से बताना है, तो ल से बताने के लिए अभी मैंने एक सवाल यहाँ पे बताया कि अगर अंशों का ल से बटे हरों का म से क्या निकालना है, ल से अंशों का, अब सबसे पहले क्या करना है, अंशों का ल से निकालना है, अंशों का ल से निकालो, 2, 3, 4, 9, दो कर लो, 1, 3, 2, 3, सॉरी 9, यहां पे 3 कर लो, 1, 1, 2, 3, बस हो गया। इससे बराबर करना है, यहां रूढ़ी संख्या आ गई ना, मतलब ये और नहीं कट सकता, या अगर मान लो 4 आ गया तो भी और नहीं कट सकता। ठीक है, तो हमें वही करना है, हम तब भी आगे नहीं बढ़ेंगे अगर मान लो कि यहाँ पे 8 है। ठीक है, और ये 3, ये सभी संख्याएं कभी यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तीनों में, तो हम डायरेक्ट उसे भी छोड़ देंगे, वही आता है, बेफिजूल का आगे सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, समय जाता है, तो अब इसको आप कर लो, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 6 6 36, कितना आ जाएगा, 36, आप अपने हिसाब से करो, मैं ऐसे कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा आपका, 36। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 24 32, 36, इसका ल से कितना आ गया, 36 आ गया। अब हरों का म से निकालना है, क्या हर का म से लाओ, 3, 5, 7, 13। अगर ध्यान से देखो तो इसमें कोई संख्या ऐसी है, ठीक है, 3, 5, 7 और ये, तो इसमें क्या है, कोई भी संख्या नहीं है, सिर्फ एक ही वो संख्या हो सकती है। ठीक है, जो इनका महत्तम समापवर्तक निकल सकती है। ठीक है, कितना होगा, 1। तो देखो इसका अगर गुणनखंड करोगे तो 1 गुणे 3, इसका करोगे तो 1 गुणे 5, इसका करोगे तो 1 गुणे 7, इसका करोगे तो 1 गुणे 13, तो क्या हो जाएगा, 1, इसका मास कितना होगा, 1। ठीक है, कितना आ गया, 1। तो हम इसका सीधे लिख सकते हैं, भिन्नों का लस बराबर कितना आ जाएगा आपका, अंशों का लस कितना है, 36, और भिन्नों का मस 1, कितना आ गया, 36। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1, ये डी ऑप्शन सही रहेगा, 36। अगला सवाल करें तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, क्या करना है, प्रत्येक दशा में 4 जो है आपका शेष बचे, वह आंसर आपको करना है, वीडियो पॉज करके एक बार लगाइए। यदि इस प्रकार से संख्या आ जाए, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तो आपको इसका क्या निकालना है, ल से निकालना है, छोटी छोटी पूछ दे, ल से बड़ी नहीं पूछ दे तो म से निकालना होता है। अगर इसका ल से निकालोगे देखो, और 4 शेष बचना है, ठीक है, मतलब कोई संख्या होगी, मान लो एक्स वाई जेड कोई संख्या है, जो इन तीनों से भाग करोगे ना, चाहे इससे भाग करो, चाहे इससे भाग करो, चाहे इससे भाग करो, भाग करने पे 4 शेष आ जाए, अगर 4 शेष बच रहा है, ठीक है,
तो यानी चार शेष बच रहा है, यानी कि जो यहाँ पे संख्या अगर इसमें चार घटा दोगे जो संख्या आएगा यदि उसमें इस ल स का भाग सॉरी यदि यहाँ तो आ गया ना, देखो इन छोटी छोटी संख्या यदि इन सबका ल स लोगे, ल स लेकर अगर चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे आप भाग करोगे तो आपका क्या होना चाहिए, वो पूर्णतः कट जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णतः कट जाता है, 0-0 आएगा। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे चार शेष बचे, अगर चार शेष बचाना है तो जो ये लस आ रहा है इसमें चार आप जोड़ दोगे, जब जोड़ के लिखोगे तब उस समय जब इनसे भाग करोगे तो आप सब में चार शेष बचेगा। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जब आप सवाल लगाएंगे इसका लस निकालेंगे तो उसके लस हमें आपको चार जोड़ देना है। चलो निकालते हैं, 12, 15, 20, 54 का ल से निकालो, यहाँ पे दो कर लो, 6, 15, 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26, कितना 27, हाँ 25 दूनी 50, 27, 2, 3, 15, 5 और 27, 3 ले लो, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 5 9 3 27। अब देखो अब ये 9 आ गया ना, इसे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अब 2 बार 5 है तो 5 ले लो, 1 1 1 9। अब जो लस आ गया आपका ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 9, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 12, 12 पच्चे 60, 60 नवा, अगर 10 होता तो 600, नवा है तो कितना आ जाएगा, ये 60 का माइनस, अब 540 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 540, ल से कितना आ गया आपका 540, 540 रहेगा तो इनसे भाग करोगे तो चला जाएगा। तो ये सवाल में कह रहा है चार शेष बचता हो, तो चार शेष कब बचेगा, जब इसमें चार जोड़ दोगे तो 544 हो जाएगा, आंसर आपका क्या आ गया, 544। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, ठीक है। अगला सवाल, यदि दो दो संख्या का लस, ठीक है, इतना और इतना है, यदि प्रथम संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या पता करो, ठीक है। हमने अभी पढ़ा दो संख्याओं का अगर लस गुणे मस बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ये होता है, ठीक है। अगर लस कितना दिया है 864 और मस कितना है 144, और इसमें प्रथम संख्या दे रखा है 288 और द्वितीय संख्या आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब इसको आप सॉल्व करो, द्वितीय संख्या बराबर 864 गुणे एक सौ चौवालीस बटे 288, इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये 3 टाइम जाएगा, 288, 8, 6, 8, 16, 24, 24, ये जो है ना आपका ये वाला 3 टाइम में चला जाएगा, तो ये 14, 28, 42, 432 करीब आएगा, हाँ 432 आएगा ना, ठीक है। बच्चों आप इसको काटना पीटना सीखो, ठीक है। अब ये मत तो सर आप काट के बताओ मुझे, तो मुझे मालूम है मैं अंदाजा 23 लगा लूंगा, ये 3 टाइम जाएगा, 3 के साथ गुणा करके लगभग ये आंसर आएगा, बाकी ये 540 ये भी उसके नजदीक का ही है, तो एक बार इसको आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इस पे आते हैं, इस पे सवाल यूपी पॉलिटेक्निक में आता है, ठीक है। तो कुल इतना ही है आपका, आज मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में भिन्न और लघुत्तम समापवर्तक के सवाल बताए बच्चों। इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स में बस इतना ही, अब जो है आपका यूपी पॉलिटेक्निक का मेन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जो मुझे बेसिक बतानी थी, बेसिक इसलिए बताना था क्योंकि जब मैं साइंस पढ़ाता हूँ वहां के जो सवाल आते हैं वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो बार बार, ठीक है, वहां पे आप भाग नहीं कर पाते, ऐसे करने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए ये बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया,
ठीक है, आप सभी लोग मेरा ये जो ऐप है इसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और अपना जो है पढ़ाई जो है ये स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, समझे। ये जो ऐप है इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है, और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बस इतना ही, थैंक यू।